हाय फ्रेंड्स, कैसी हो? मैं आज सुबह सुबह आ गई रामकृष्ण मिशन में मेडिटेशन के लिए। ये श्री श्री रामकृष्ण देव के भव्य मूर्ति है। आज मंगलवार है तो बहुत सजाया गया है। ये उनके पत्नी है शारदा माँ, शारदा देवी, और इनके सिरिन तो बहुत सुंदर होता है, इनका जो सिंहासन होता है। ये बाहर का नज़ारा है, ये तो तपोवन है तो माहौल तो ऐसा ही होगा ना। चारों तरफ ये साधु जी दंडवत कर रहे हैं। साधु से हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है, शायद इसी को शरणागति बोलते हैं। हम भी प्रणाम करते हैं पर शरणागति नहीं करते हैं। ठाकुर जी का प्रसाद निकल चुकी है तो मैं नीचे चली जाऊंगी, तो प्रसाद ले लूँगी। और नीचे आते ही मुझे एक अजीब सा चीज़ नज़र में आया, क्योंकि मैं 10-15 दिन नहीं आई थी आश्रम में। तो देखिए, कटहल की प्लांट है जिसमें सर से पाँव तक बस कटहल ही कटहल है। अजीब है ना, कितने सारे बाप रे, गोदी में बच्चों को उठाए कैसे खड़ी है देखिए। हाँ, पूरा आसमान तक किसका कटाली कटाल लगा है, कितने सारे बच्चे। तभी ये प्लांट इतने खुश है, कितने सारे मोटे मोटे गोल मटोल बच्चे इसका देखिए, कुछ पैर के पास खेल भी रहा है। अरे बाप रे, कितना मोटा मोटा है इतना मोटे मोटे है देखिए। इसका ये शायद इसका जुड़वा बहन है। हाँ देखिए, ये जुड़वा बहन है शायद, इसका भी बहुत सारे ढेर सारे बच्चे देखिए, कितने बच्चे इसका भी। अरे बाप रे पर ये शायद छोटी बहन है, क्योंकि दीदी जैसे इतने बच्चे नहीं है और इतने गोल मटोल भी नहीं है, फिर भी बहुत सारे हैं ना। कितने सुंदर दिख रहे हैं। मेरी मेडिटेशन तो हो गई और अब मैं घर वापस जा रही हूँ। थोड़ा सा आश्रम का नज़ारा और माहौल आपको दिखा लूँ। तप की जगह है ये, बस तपस्या ही होता है यहाँ पर, भगवान को बुलाया जाता है बस जी भर के। मैं आश्रम से निकल रही हूँ, निकलने तो जी नहीं करता है। मैं ये जो बेंच दिख रहा है ना, बेंच, इसमें हमेशा बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस चुपचाप बैठी रहती हूँ इसमें। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है, यहाँ एक बार अंदर आने से भी बाहर दुनिया जाने को जी नहीं करता है ना पर जाना तो पड़ेगा। संसार जो बसाया है, संसार भी तो उन्हीं का है ना, उन्हीं का दिया हुआ गिफ्ट है। घर संसार बच्चे परिवार सब कुछ, भाई बहन दोस्त सब तो उन्हीं का है, तो उनका भी सेवा तो करना पड़ता है। बस मैं निकल रही हूँ, धूप बहुत ज्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर जाने का रास्ता है और ये अंदर जाने का रास्ता है, ना सुंदर है देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कभी आइए भुवनेश्वर में, स्टेशन से सिर्फ 10-15 मिनट ही लगता है, ऑटो और सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये भुवनेश्वर रामकृष्ण मिशन उड़ीसा में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।